नमस्कार किसान साथियों, एफटूडीएफ मोबाइल ऐप और एफटूडीएफ वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया है। आज हम बात करने जा रहे हैं जैविक खेती और नेचुरल खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में। हमने पहले दो वीडियो बनाई थी जिसमें हमारा विषय था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, मतलब जीरो बजट प्राकृतिक खेती। तो कुछ किसान साथी थे जिनका प्रश्न था कि जो समझ नहीं पा रहे थे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती एक है या भिन्न भिन्न है। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जैविक खेती जो है उसमें आप कोई भी रसायन इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें फूड की क्वालिटी नो डाउट बेस्ट होती है, अच्छी होती है, लेकिन वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं गोबर की खाद, जो कंपोस्ट है। आप वो फसलों का जो अवशेष है उसको कंपोस्ट में बदल के उसको डालते हो फर्टिलाइजर के रूप में, उर्वरक के रूप में, और आप कोई भी जो पेस्टिसाइड या फिर हर्बिसाइड है उसका इस्तेमाल नहीं करते। उस वक्त आप जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उनका इस्तेमाल करते हो, जिससे आप फसलों के अंदर जो कीट है या फिर जो जो खरपतवार है उनको कंट्रोल में कर सको। उसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें सारी चीजें ऑर्गेनिक होती है जो पर्यावरण और भूमि दोनों के लिए उपयुक्त है, अच्छी है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं नेचुरल खेती। नेचुरल खेती में प्रकृति अपना काम स्वयं करती है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता। प्रकृति जैसा उसका स्वभाव है, जैसा प्रकृति का नियम है, उसके हिसाब से काम होता है, जो पर्यावरण और अन्य जो भी वस्तुएं हैं उन सब के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही उपयोगी है। अब हम डिफरेंस समझते हैं सबसे पहले प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में। देखिए, जैविक खेती है उसमें आप जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो प्राकृतिक खेती है उसमें आप सिर्फ देसी बीजों का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से देसी बीजों का इस्तेमाल होता आया है, भूमि और उन बीजों का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बना हुआ है। उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहां पे जो लोग हैं उनकी हाइट कम होती है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया का एरिया है जहां पे हरियाणा, पंजाब और ये यूपी है, वहां पे लोगों की हाइट ज्यादा होती है। ये जेनेटिकली ऐसा है, यहाँ की भूमि, यहाँ का पानी और यहाँ के जो लोग रहते हैं उनका डीएनए वैसा है जिससे उनकी हाइट अच्छी होती है। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एरिया है, जैसे असम है, जैसे वहां पे सिक्किम है, वहां पे जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश, वहां पे लोगों की हाइट बहुत कम होती है। उसका रीजन क्या है? जेनेटिकली वैसा है, वहां का एनवायरमेंट वैसा है, वहां का खान पान वैसा है, वहां पे लोगों का डीएनए वैसा है। अब इसे आप समझ सकते हो प्राकृतिक खेती से जोड़ सकते हो, मतलब प्राकृतिक खेती में प्रकृति अपना काम स्वयं करती है। पुराने वही बीज जो देसी तरीके से इस्तेमाल होते आए हैं, देसी बीज का इस्तेमाल करना है। भूमि वही है, देसी बीज वही है, जिससे जो आगे बीज, आगे जो प्रोडक्शन होगी, जो उत्पादन होगा, वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होगा, जिसका कोई मेल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होता है, जिसका जो परिणाम है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता अगर प्रकृति अपना काम स्वयं करे तो। अब इसमें सबसे पहली बात, जो बीज है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो जैविक खेती है, उसमें आप जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्राकृतिक खेती में आप उन बीजों का इस्तेमाल नहीं करते, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा, जो जैविक खेती है उसमें आप जो केचुए की खाद है वो डालते हो, जैविक खेती में आप जो कंपोस्ट खाद है वो डालते हो, लेकिन जो जो प्राकृतिक खेती है उसमें आप कोई भी पोषक तत्व नहीं डालते, डालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति है उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवी है, जो केचुए हैं, वो अपना काम स्वयं करते हैं, वो अपनी संख्या को खुद कंट्रोल करते हैं, खुद बढ़ा सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति वैसा करती है, क्योंकि जितने भी खनिज लवण है वो तो ऑलरेडी हमारी भूमि के अंदर मौजूद है। क्योंकि सबसे पहली चीज, जो पौधा है उसको 98.5% न्यूट्रिएंट्स तो वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, 1.5% जो न्यूट्रिएंट्स है वो जमीन से प्राप्त करता है, खनिज लवण है वो जमीन से प्राप्त करता है, जमीन के अंदर ऑलरेडी वो खनिज लवण होते हैं। अब दूसरी चीज, एक बात तो देखिएगा, अगर हम यहाँ बात करते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज थे, वो कौन सी खेती अपनाते थे, वो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती, तो मैं आपको बताऊंगा वो प्राकृतिक खेती को अपनाते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे बड़े बुजुर्ग ना ही कंपोस्ट खाद तैयार करते थे, ना ही वो वार्मिक कंपोस्ट तैयार करते थे, उस वक्त वो प्रकृति को अपने हिसाब से काम करने देते थे, उनके पास वही पुराने बीज होते थे और उन्हीं का इस्तेमाल करते थे, उनके पास सारी चीजें वही थी। उस वक्त सिर्फ एक बात का डिफरेंस था, वो यही था कि हमारे बड़े बुजुर्ग देसी गाय यूज करते थे, उनके पास हर घर में देसी गाय होती थी, और जो प्राकृतिक खेती है उसमें जो कॉम्बिनेशन बना हुआ पुराने बीजों का, वही भूमि, वही बीज और वही हमारी देसी गाय, उससे आप एक एक, अगर आपके घर में एक देसी गाय है तो उससे आप 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं, आपकी 30 एकड़ की खेती के लिए गाय काफी है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मिलता है वो प्राकृतिक खेती से मिलता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में
सबसे पहले चीज इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और इसी देखिएगा, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जैविक खेती में आप जो कंपोस्ट खाद तैयार करते हो, जो आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हो, उसमें जब तैयार करते हुए ना बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनता है, जिससे पर्यावरण जो है उसके अंदर गर्मी होती है। क्योंकि आप इसी देखिएगा, जब आप कंपोस्ट खाद तैयार करते हो ना, तो उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, आप जब हाथ लगाओगे आपको बहुत गर्म लगता है। वो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो कारण यही है क्योंकि उसमें ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनता है, उससे जो गैसें निकलती हैं वो पर्यावरण को कहीं ना कहीं थोड़ी हानि पहुंचाती है। दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती, उसमें आपको कोई कंपोस्ट तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जो पर्यावरण के लिए बिल्कुल फ्रेंडली है, रिजल्ट बहुत अच्छा, और जो इन्वायरमेंट है उसके लिए फ्रेंडली, कोई खाद नहीं डालना, कोई जेनेटिक बीज इस्तेमाल नहीं करना। और हमारे बड़े बुजुर्ग प्राकृतिक खेती करते हुए आ रहे थे, जैविक खेती नहीं करते थे, इसलिए प्राकृतिक खेती जैविक खेती से बेहतर है। पहली बात ये, देखिए मैं यहाँ पे केमिकल रासायनिक खेती का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि रासायनिक खेती तो बिल्कुल अलग है, वो ग्रीन जो रेवोल्यूशन आया था उसके बाद से हमारे देश में की जाने लगी थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में डिफरेंस, अगर मैं हम उन दोनों को समझते हैं तो दोनों बिल्कुल भिन्न पद्धतियां हैं। जो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं वो प्राकृतिक खेती से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति अपना काम खुद कर रही है, स्वयं कर रही है, इस बात को आप समझिएगा। और ये बात सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकृति को अपने हिसाब से काम करने दीजिएगा, उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि प्रकृति संतुलन बनाए रखती है, ये प्रकृति का नियम है संतुलन बना के रखना, और जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा रहेगा। तो ऐसी वीडियोज हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे, आप हमसे ऐसी वीडियोज के लिए जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे वैसे प्यार देते रहिएगा, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारी ऐप, हमारी वेबसाइट है उसको डाउनलोड कीजिएगा, हमारी वेबसाइट को यूज कीजिएगा, जिससे आपको फायदा मिलने वाला है। आप हमसे जुड़े रहिए, उसके लिए धन्यवाद।